A beautiful good morning to all of you from Delhi. As always, I'm your host Yogendra and welcome back to the channel once again. So guys, आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली के सफदरजंग में है सफदरजंग टॉम्ब. बट रास्ते से जाते वक्त मुझे दिखाई दी संजय झील, तो मुझे लगा थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करना चाहिए और मैं यहाँ पर रुका. आप लोगों के लिए मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, वो शॉर्ट्स आप संजय झील के देखिए. फिर मिलते हैं सीधा सफदरजंग टॉम्ब. दिल्ली में सफदरजंग में बना है सफदरजंग टॉम्ब. जी हाँ, मेरे बैक साइड में जो आप देख रहे हो ये है सफदरजंग टॉम्ब. और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बहुत ही सिंपल है, जोरबाग मेट्रो स्टेशन पड़ता है. दिल्ली के कहीं भी किसी भी इलाके में हो, जोरबाग मेट्रो स्टेशन की टिकट लीजिए और सीधा पहुँच जाइए. मैंने फ़िलहाल टिकट ले ली है. टिकट जो वो है इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ की है. अगर बात करें फॉरनर्स के लिए तो फॉरनर्स के लिए टिकट है 500 रुपीज़ की. और टाइमिंग जिसका मॉर्निंग और टिल इवनिंग तक टाइम है, आप कभी भी आइए एक्सप्लोर कीजिए. बिल्कुल ठीक पीछे मेरे जो आपको ये रास्ता दिख रहा है, दैट इज़ द वे ऑफ एंट्रेंस. फिलहाल मैं जाता हूँ अंदर और अंदर से इसको एक्सप्लोर करता हूँ. तब तक आप कुछ इसके जो मैंने सिनेमेटिक्स व्यू लिए हैं बाहर से वो एंजॉय कीजिए. यहाँ से जो सफदरजंग टॉम्ब का व्यू जो दिखता है वो काफ़ी अच्छा दिखता है. और एक्चुअली मैं बहुत जल्दी आ गया था, तो आज मुझे लगता है कि इस टॉम्ब का मालिक मैं ही हूँ, कोई और है ही नहीं. सबसे पहले आने का मतलब बिल्कुल रश नहीं है. और जैसे ही आप यहाँ इस गेट से एंट्री करते हैं तो आपको सामने सीधा दिखता है सफदरजंग टॉम्ब. इस टॉम्ब का यहाँ पर एक मैप भी लगाया हुआ है, तो वो मैप भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. क्वाइट इंटरेस्टिंग. इन दिनों दिल्ली के अंदर मौसम थोड़ा ठंडा है, काफ़ी मतलब सर्दी हो रही है और बेस्ट वेदर है ये दिल्ली में घूमने का. तो आप लोगों को मेरा स्पेशली सजेशन है कि जब भी आपको थोड़ा टाइम मिले तो प्लीज़ दिल्ली को एक्सप्लोर कीजिए, स्पेशली द पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली, स्पेशली फॉर यू. आउट ऑफ दिल्ली से जो लोग आते हैं वो तो सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, बट स्पेशली जो दिल्ली में रहते हैं वो शायद नहीं इतना ज़्यादा दिल्ली को एक्सप्लोर करते हैं. बट आई एम डूइंग माई बेस्ट. अपनी तरफ से मैं आप लोगों को दिल्ली की वो हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा जो मैं देखता हूँ. जैसे ही आप एंट्रेंस करते हैं पीछे बैक उस गेट से, लेफ्ट एंड राइट साइड में वही हमेशा हर टॉम्ब की तरह आपको गार्डन मिलता है. और ठीक बिल्कुल इसके सामने ये जो आप देख रहे हैं ये शायद यहाँ पर कभी फाउंटेन्स चलते होंगे, बट फिलहाल अभी इसमें कोई फाउंटेन्स नहीं चल रहा है. और आपको जो पीछे सफदरजंग टॉम्ब दिख रहा है मेरे, उसके ऊपर यहाँ तक शायद जाने की परमिशन है, बट उसके ऊपर शायद नहीं है. यहाँ से जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो व्यू बहुत अमेजिंग मिलता है. मैं एक्चुअली 3 टॉम्ब मैंने एक्सप्लोर कर चुका हूँ. फर्स्ट रेड फोर्ट, सेकंड हिमायू टॉम्ब एंड थर्ड सफदरजंग टॉम्ब. तीनों टॉम्ब में मुझे एक चीज़ कॉमन मिली है, रेड पत्थर से बनाए गए हैं और वाइट पत्थर से बनाए गए हैं. इन दोनों चीज़ का यूज़ इन सभी टॉम्ब्स के अंदर किया गया है. सफदरजंग टॉम्ब कुछ कुछ हिमायू टॉम्ब की याद दिलाता है, कुछ कुछ उसी की तरह दिखता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिमिलरिटीज काफ़ी ज़्यादा दोनों में हैं. सफदरजंग टॉम्ब के अंदर अगर एक चीज़ जो यूनिक है वो ये है कि इस टॉम्ब के चारों साइड यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ
चारों साइड अगर आप देखेंगे तो आपको फाउंटेन्स मिलेंगे, जो शायद हुमायूं टॉम में नहीं था। हुमायूं टॉम में सिर्फ फ्रंट साइड पर ही फाउंटेन्स थे, बट इसमें चारों साइड हैं, जो थोड़ा सा इसको डिफरेंट करता है। बाकी कुछ सिमिलर ही है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू हुमायूं टॉम और रेड फोर्ट। वहाँ पर जब मैंने विजिट किया, उसको एक्सप्लोर किया, तो काफ़ी रश था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगा। अगर किसी ने मेरी हुमायूं टॉम की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई बटन में मिलेगी, आप जाके चेक कर सकते हो। और जब हम यहाँ पर आए गए थे, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को भी जान लेते हैं। सफदरजंग टॉम है वो 1753 से लेकर 1754 के बीच नवाब सराजुद्दौला खान ने अपने पिता अबुल मंसूर खान के लिए बनवाया था। और जैसे आप इस टॉम के अंदर एंट्रेंस करोगे तो इस टॉम के अंदर तीन चीज़ें बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मेरे बैक साइड में जो आप ये मज़ार देख रहे हो, इस मज़ार को देखने के लिए स्पेशली इन तीन महल का और साथ साथ कंस्ट्रक्शन कराया था, ताकि वो उन तीनों महलों से इस मज़ार को देख सके। वो तीन महल कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। बैक साइड से जब आप देखोगे तो आपको उस साइड दिखाई देता है जंगली महल, और अगर आप उस साइड देखोगे तो वो दिखाई दे रहा है आपको मोती महल। और अगर आप राइट साइड में देखते हो, यानी कि वो है पसंदीदा महल। इन तीनों महल का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कराया गया था कि तीनों जगह के बिल्कुल सेंटर डोर से आप बैक साइड में ये जो मज़ार बनी हुई है उसको देख सके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जो मुझे बहुत पसंद आया। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। मैं योगिंदर लेता हूं आप लोगों से अलविदा, जल्द ही मिलेंगे एक नए हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। टिल देन, बाय बाय।